देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अलग बेटा के काटी आप सब बच्चा लोग वेट कर रहा था ना दादा जी। अभी ना हम नई मम्मी के वेट कर रहा बानी। पलक बेटा आप पहले केक काट ली, नया मम्मी आ जाइए। देखा सारा बच्चा लोग इंतजार कर रहा था ना पापा। अभी ना नई मम्मी हमरा खातिर गिफ्ट ले आ रहा बाड़ी, ओकर बाद ही हम केक काटा।
रेदी बहू आरती जा बच्चन के भूख लागल हुई खाना पीना के इंतजाम करो जल्दी चलो। अर्पिता समझ में नहीं खे आवत आखिर यश कर का रहल बा। जाए जैसे आपके हिम्मत कैसे बोले अर्पिता की चीज के हाथ लगाओ लगे आपके हिम्मत कैसे बोले अर्पिता की चीज के हाथ लगाओ लगे इस साड़ी ये गहना अर्पिता के बा और केकरा कहला पे आप पहने और कोना हक से यश ये तू का कारल बड़ा यश वो भी इतना सारा मेहमान के सामने आप जाना था नहीं अर्पिता के कोनो चीज के केहू हाथ लगाओ ये हमरा बिल्कुल पसंद नहीं खे यस कुछ तो ख्याल रखा आपके का लगल आप अर्पिता के रूप ले लें तो अर्पिता बन जाए कबो ना आरती जी आप अर्पिता कबो नहीं के बन सकत समझिए आप हमर बात तो सुनी हमरा कुछ नहीं के सुने के आरती जी अब समझ में आई सुबह से ही हमरा के सारा वो बात का है याद आओ तो रहुए जो अर्पिता करत रहली पलक के छुपा दियल के हमरा के कहल ढूंढी फिर जानी अनाथ आश्रम से बच्चन के इनवाइट करे पलक के बर्थडे पे और अर्पिता जैसन चॉकलेट फज बनावल वो भी आप ही बने ले रहनी ना आज कही बात ना आरती जी पिछला कुछ दिन से आपकी कोशिश चलत रहे जेकरा के आज ले हम इत्तेफाक समझत रहनी आप पलक के बर्थडे मनावे के चाहत रहनी ना पार्टी करे के चाहत रहनी ना तो हमरा लगल कि आप पलक के खुशी खातिर ही करत रहनी लेकिन आपके मकसद तो कुछ और ही रहे आप अर्पिता के जगह लेवे के चाहत रहनी सॉरी आरती जी आप अर्पिता के जगह कबो नहीं खिले सकत समझनी आप हमार दिल में हमार जिंदगी में अर्पिता के जगह केहू नहीं खिले सकत और हम शादी के दिन ही आपके साफ साफ कह दे ले रानी हम ये शादी अपन बच्चन खातिर करत नहीं अपन खुशी खातिर नहीं करत और शायद आप भी ऐसे ने कुछ कह ले रानी ना याद बाप के
सॉरी पापा। सॉरी पलक के कोनो जरूरत नहीं के पलक। ये आरती जी बाड़ी अर्पिता नहीं खी। और आप सब लोग ध्यान से सुन लें, ये आरती जी बाड़ी अर्पिता नहीं खी। आरती जी बाड़ी जी, हम जॉन कुछ कहले बानी, पलक की खुशी खातिर कहले बानी। बस करी आरती जी, पलक हमार बेटी हिया, ओकर खुशी के परवाह बा। हम ओकर बर्थडे मनावे के चाहत रहने, लेकिन वो हमेशा मना कर देत रहे। पापा, हमार वजह से आपके गुस्सा आइल ना? पापा, स्टेप मॉम कले रैली की हमार बर्थडे के दिन हमार मम्मी के लेके आई। ऐसे हम बर्थडे पार्टी खातिर मान गए नहीं। आपकी बुरा लागल ना? सॉरी पापा। आप पलक से झूठ कहानी तो ये रहा आपके सीक्रेट। आप पलक के ओकरा जन्मदिन पर ओकर माँ लाके देवे वाला रानी, और आप हमरा से काका ले रानी कि यश जी भरोसा करी, बस एक बार ओकर बर्थडे खातिर हाँ कर दी। आरती जी, आप हमार भरोसा तोड़ देनी। आप इतना स्वार्थी हो सकते नहीं, हमको वो सोच भी ना सकत रहनी है। काहे करनी आरती जी, बताई बताई आरती जी बताई ना। यश जी, हम सिर्फ पलक के खुशी खातिर ओकरा से झूठ बोली, और बचन से बोलल गेल झूठ के तो भगवान भी बुरा ना माने ले। आप बहुत गंदी बाड़ी, आप हमरा से झूठ कह ली, आप हमार मम्मी के भी ना लेके आईली। कटी कटी कटी, हम आपसे कब बात ना करब। आप पलक की एक खुशी देवे के चाहत रानी, आज के दिन ही आप चुन्नी ये सब करे खातिर। बोली आरती जी, हमार स्वार्थ सिर्फ इतना रहे कि हम पलक और पायल के दिल में अपना खातिर थोड़ा सा जगह बना सकी, उनका अपन थोड़ा सा करीब ला सकी। अच्छी और कुछ ना। झूठ के सहारा लेके आप लोग के करीब आवे के चाहत रानी, एक गलत बात थी जी, समझ नहीं आप। आपके दूसरा और सबसे बड़का गलती का आपके पता बा, पलक अपन बर्थडे काहे ना मनावे ले, काहे कि ओहे दिन हम जाना तानी अच्छी, काहे कि पलक के बर्थडे वाला दिन ही बारिश में केक लाते वक्त अर्पिता जी का एक्सीडेंट हो गया रहे। और तो फिर आप ऐसा काहे कहीं नहीं, आपके पता रहे उखरा बाद भी जवाब दिया आरती जी। आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? यश छोड़ी भैया, संभाला अपना जवाब दी हमरा के, संभाला अपने आपके भाई, संभाला।
आप इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते नहीं? आपके पता बाहर जी, इस साड़ी हमारे पिता खातिर लेके आई रहनी, लेकिन ओकरा के पहने का मौका ना मिला कहे के वही दिन और आप ही साड़ी पहने नहीं, वो भी आज के दिन। एकरा के हम का कहें, आपके जिद या आपके केहू के फीलिंग से कोनो कदर नहीं के। हम चाहत रहनी के हर मासूम बच्चे के जैसन पलक भी अपन बहुत देमन है। आप हमरा ओकर माँ बना के ले रहनी नहीं घर में, तेको माँ अपन बच्चन की खुशी देवे चाहे ले, बस वो खुशी देवे खातिर ही हम ये सब। झूठ बोलता नहीं आप, हमरा आपके कोनो बात पे कोनो विश्वास नहीं खे। आज हमरा अपना आप पे गुस्सा होता कि हम आपके एक और मौका काहे दे नहीं। आप हमरा से झूठ का नहीं जानते हुए भी कि हमरा झूठ से सख्त नफरत बा, काहे आरती जी बोली काहे? सॉरी यश जी, हम आपके हर्ट ना करे चाहत रानी, और हम तो ऐसा सोच भी ना सके नहीं, वो भी ऐसा इंसान के खातिर जे हमार बेटा के अपन नाम दे ले बा, जे अपन जान पे खेल के हमार बेटा के जान बचेले होके। हम माना था नहीं, हमार पिताजी के जगह लेवे के कोशिश कही, लेकिन भगवान साक्षी बढ़िया जी, हमार मकसद सिर्फ और सिर्फ पलक और पायल के चेहरा पे मुस्कुराहट लावे के रहे। उनकर दिल में अपना खातिर थोड़ा सा जगह बनावे के रहे। वो हमरा अपन सौतेली माँ ना समझे, अपन माँ के रूप में स्वीकार कर ले, बस बस ये चाहत रानी हम, और कोनो ही इरादा ना रहे हमार। और आपके दिल में जे अर्पिता जी के जगह पा उकरा ताम लेवे के कबो सोच भी ना सके नहीं यश जी। सोचनी अर्पिता जी के परछाई बन जाए तो शायद पलक और पायल के प्यार पा सका, और घर वालन के भी तो ये उम्मीद रहे ना हमरा से कि हम दोनों बच्चन के जिंदगी से माँ के कमी के दूर कर सकी। आप भी तो यह चाहता नहीं बोली, पर हम का गलत कही नहीं। चुप का है पानी, कुछ तो बोली नहीं यश जी। हाँ यश बेटा, आरती गलत नहीं खे, बल्कि इतना बहुत बड़ बलिदान दे ले भैया, पलक और पाय लेके अपना ले ए आशा में अपन पहचान के भुला के केहू और के रूप लिहल, ये छोट बात नहीं खे। यश ठीक कहा तरी, हमरा अच्छा तरीका से याद बाकी शादी के समय जब हम आरती के अर्पिता के नाम दिले रानी तब वो साफ मना कर दिले राली, लेकिन समधन जी के समझला के बाद बड़ा मुश्किल से राजी भइल राली। आज अगर ये खुद होके अर्पिता के रूप ले ले भी आता केवल एक खातिर की तार बच्चन के माँ बन सको। हम जाना तने की तार दिल दुखल बा, लेकिन बहु जोन कुछ भी कलियो कर इरादा गलत ना रहे, माफ कर दे उकरा के। माफ करें, हम आप सबके अनादर करते नहीं, लेकिन बाबू जी हम आरती जी के कबो माफ नहीं की कर सकते। बेटा एक बार ठंडा दिमाग से सोचा। ना मां, केहू कुछ ना कही,
एजा केहू भी आरती जी के तरफदारी ना करी। हम एक पल भी आरती जी के ई रूप में नहीं देखे चाहत। केहू इंकरा से कह दो कि अर्पिता के चीज के वही जा रख दे जहां से लेके आए रही। बिल्कुल मत रोई, नया पापा आपसे नाराज भईनी ना, लेकिन हम बात करब उनकरा से, वो हमार हर बात माने लन। हाँ मम्मी आप रोअब मत, मम्मी आप रोअब तो हम हो रो दे, रोई मत। नजर नहीं पाए आप हमरा मम्मा के कितना बड़ा खुशी देले बानी। आप अर्पिता की जगह कबो नहीं खिले सकत, समझ नहीं आप? हमार दिल में, हमार जिंदगी में अर्पिता की जगह केहू नहीं खिले सकत। आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकत नहीं? ये आरती जी बाड़ी अर्पिता नहीं की, आरती जी बाड़ी। आरती जी, आप हमार भरोसा तोड़ देनी। हम तो के समझाले भी रहने कि तू आरती बाड़ू आरती बन के ही कोशिश करा, पर तू हमार बात के चला। दिल छोटा मत करा, धीरज से कामला सब ठीक हो जाए। निराश मत हो आरती, हिम्मत ना हारे के जौन आत्मविश्वास के साथ तू फैसला कर ले रालो, उहे आत्मविश्वास के साथ है इस स्थिति के भी सामना करा। हम जाने नहीं कि तू जे कुछ भी कैलू होकर पीछे तो और इरादा गलत न रहे। तू पलक और पायल के करीब आवे चाहत रालो, लेकिन गलती भाई लत है सिर्फ ये कि तू अर्पिता के रूप लेके अपन मंजिल के पावे चाहलो। आप कुछ ठीक ना हो माँ, कुछ भी ना, जाने अनजाने में हम यश जी के दिल तोड़ ले पानी, उनका विश्वास तोड़ ले पानी। अब वो हमरा पर कभो विश्वास ना करिए, इतना कोशिश करे के बाद भी ना कामयाबी ही मिलल हमरा के, पलक के दिल भी ना जीत पैनी हम तो।
हम फेल हो गए नी माँ, हम फेल हो गए नी। ना आरती, तू फेल ना भइल हुआ। तू देख लू ना पायल कैसे अपन नन्हा नन्हा हाथ से तोहर आंसू पोछ के तो के माँ कहले राली। और बेटा, अब तू तीन तीन बच्चन के माँ बाड़ू, और जन औरत के ऊपर तीन तीन औरत की जिम्मेदारी होखेला वही तरह से ना टूट सकेली। और देखिए आरती, एक दिन आई जब यश जी जान जाए है कि तू जे कुछ भी कह लो उकर पीछे तोहार नियत का रहे। हम सच कहता नहीं, तोहार तपस्या बेकार ना चाहे। पलक और यश जी एक दिन खुला दिल से तोहके अपना नहीं है, ये गो माँ के दिल के आवाज जे गलत हो ही ना सकेला। तू बस अपन आत्मविश्वास मत खोई आरती। ना माँ, हमके नहीं लगत कि आरती पूरा तरह से गलत बड़ीन। अर्पिता के जगह ही ताइल बड़ीनी घर में, यही से हमने के उनकरा अर्पिता के नाम देनी। सही कहा था पंकज, आज पलक और पायल के माँ बने के कोशिश करके वो ये घर के सफल गृहिणी बने के दिशा में पहला कदम उठेले पिया हूँ। और उकर ही कोशिश के हम उकर भूलने की कह सकत हम। पर अफसोस था एक बात के बाकी बेचारी के एक कोशिश में कुछ भी हासिल ना भई। पलक तो उसे नाराज हो ही गई और अब यश भी उसे कोसों दूर चल जाए। तीन महीना का समय दे रहे जामने के होके कि वो घर के सुशील बहु अच्छी पत्नी और बच्चन के माँ बन के दिखाई। पर हमके नखे लागत कि वो अपने मंजिल तक पहुंच पाई। यश बहुत नाराज पाओ से वो ओके कबो माफ ना करी। आखिर ओकरा के कर एक कसौटी पे खड़ा उतरे के बाद तो ओकरा के बच्चन के साथ साथ है यश के भी ख्याल रखे के पड़ी। एगो सफल गृहिणी तो वह होले ना आखिर, जोन घर परिवार के साथ साथ बच्चन की जिम्मेदारी संभालत अपन पति के भी खुश रख सको। और इमें कोनो संदेह नहीं है कि एगो पत्नी के रूप में असफल रहले पिया यश। आवा बेटा, आजा। ना मां, हमरा आप लोग से कुछ बात करेगी बा। हाँ बेटा बोला ना, क्या बात बा? बाऊजी, काल अर्पिता के श्राद्ध बा, और हर साल की तरह इस साल भी हम अर्पिता के श्राद्ध करेंगे चाहते नहीं। वो भी पूरा विधि विधान के साथ। क्या कहा था यश, पिछला साल के बात अलग रहे और इस साल के बात अलग बा। अब तो हर दूसर शादी हो चुकल बा, अर्पिता के श्राद्ध के ख्याल अपना दिमाग से निकाल दा। बाऊजी, दोबारा शादी कर लेला से हमार और अर्पिता के रिश्ता में कोनो बदलाव नहीं किया है। तब फिर का फर्क पड़ा था? फर्क पड़ेला, बहुत फर्क पड़ेला। आरती से पुनर्विवाह के समय ही तू अर्पिता बहु के श्रद्धांजलि दे चुकल पड़ा, और विधि विधान भी यह कहेला
कि नया पत्नी के राहत पुरुष अपन पहला पत्नी के श्राद्ध नहीं कर सकत। एगो पत्नी के राहत मृत पत्नी के श्रद्धांजलि दिहल धर्म के विरुद्ध बा। हम ऐसन विधि विधान के ना माने नहीं पाऊजी जोन हमार और अर्पिता के रिश्ता में कोनो भी बदलाव लिया। यश, हमने के समाज में रहनी और समाज के बनावल नियम के पालन कईल धर्म है हमार। कोनो पंडित कोनो पुजारी श्राद्ध ना करे। बाऊजी, हम अर्पिता की श्राद्ध जरूर करब। और ई करे खातिर हम कोनो पंडित कोनो समाज के मोहताज नहीं की। आपन पत्नी से बेनतहा प्यार कईल ओकरा के याद कईल ई अधर्म नहीं है बाऊजी। ठीक बा, अगर ऐसन बात बात हमार भी सुन ला। ई अधर्म हम ई घर में ना होके दे। अर्पिता के श्राद्ध इस छत के नीचे नहीं हो सका। यश जी रुक जाए। यश, ना हम अपन बेटी के कोनो तरफदारी करब, ना ही कोनो सपाही देब। हम जाने ने कि आरती से गलती भइला, लेकिन एगो माँ होके के नाते हम सिर्फ आपसे विनती कर सकेने कि आप आरती के माफ कर दी। ओकर नादानी खातिर खुद के सजा मत दी। यश जी मत दे। हम समझ सकेने कि ये वक्त आपके मन में का गुजर रहा ला। मन के तूफान से बचे खातिर आप इतना रात के बाहर जा रहल बानी। ना यश जी ना, मन के चैन आपके शहर के खाली सड़क पे ना मिली, आपके घर के अंदर मिली। जब आप अपन बच्चन के सीना से लगा कि प्यार करब ना, देखब उहे पल तूफान खुद बखुद अपन रुख बदल के वापस लौट जाए। यश जी, ये वक्त आपके बच्चे के आपकी जरूरत था। पलक, पायल और अंश दोनों खाना खा ले बड़े, आप भी खा लेना प्लीज। भूखे पेट ना सोते ले पलक, प्लीज थोड़ा सा खा ले। थोड़ा सा खा ले दीदी प्लीज। थोड़ा सा खा ले। हमरा ना खाए के पता बा, आपको फेवरेट बर्गर खूब सारा चीज के साथ है और फ्रेंच फ्राइज भी है। और ये फेरी केक, ये केक खाई? पता बा पलक, जितना आप हमरा से नाराज बानी उतना ही आपके पापा भी हमरा से नाराज बाड़े। अब उनका खाना केक खिलाई। हाँ।
हम उनका के खाना खिलाई। आप बहुत बुरा पानी। हमारे पापा बहुत अच्छा पड़े। इन्हें आई, दोनों इन्हें आई। खाना खाए के बाद ठीक से मुंह भी ना पोछनी ना। हम पोछ देता नहीं। मम्मा आप भी सुबह से कुछ निकी खा लेना, थोड़ा सा खा ली प्लीज। मामा बाद में खा ली, अभी हमरा की भूख नहीं खे। थैंक यू। जाई, आप लोग अभी जाके खेली, हम तनी देर में आ जाई। चल पायल खेलल जाओ। सॉरी आरती, हमारी कहे पर तू अर्पिता बने पर इतना सब कुछ हो गई घर में। प्लीज हमके माफ कर दा भाभी। प्लीज आप जौन कुछ कहनी, जौन कुछ कहनी, हमार भलाई खातिर कहनी, हमार मदद करे खातिर कहनी। अब सॉरी बोल के हमरा और शर्मिंदा मत करी प्लीज। मम्मी बिना खेले सोते देत रहली का? ना बेटा, मम्मा पायल और पलक के भी तक कबो खाली पेट सोते ना देत रहली, है ना? पापा। I love you too, बेटा। जाना था नहीं यश जी हमरा के माफ ना करी हैं, लेकिन फिर भी हम सॉरी बोल के रहा, हमार फर्ज बनेला सॉरी बोलल। जैसे बच्चा के कमरा से आई हैं सॉरी बोल दे, फिर भले ही हमरा के कितना बात कहे ना सुनी है, चुपचाप सुनब लेकिन सॉरी तो बोल के ही रहा।